क्या आपने कभी देवी लक्ष्मी की बहन दरिद्र के बारे में सुना है? लक्ष्मी धन की देवी थीं, जबकि दरिद्र गरीबी की देवी थीं। जब लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से विवाह किया तो उन्होंने दारिद्र के लिए एक उपयुक्त वर ढूंढने के लिए कहा। विष्णु ने उत्तर दिया, यह उसके आलस्य के कारण चुनौतीपूर्ण है। फिर भी लक्ष्मी का मानना था कि एक ऋषि ही उपयुक्त वर होगा और उसको आलस्य से बचाया जा सकेगा। विष्णु को एक ऋषि मिले जो दरिद्र से विवाह करने को इच्छुक थे। दुर्भाग्य से विवाह के बाद ऋषि उसके आलस्य को सहन नहीं कर सके और उसे चले जाने के लिए कहा। दुखी होकर दरिद्र ने मदद के लिए लक्ष्मी और विष्णु की ओर रुख किया। विष्णु को एक पीपल का पेड़ मिला और उन्होंने उसे उसके नीचे रहने का सुझाव दिया। उसने लक्ष्मी और विष्णु से निवेदन किया कि वे मिलने आए, क्योंकि वह अकेली होगी। वे शनिवार को उससे मिलने के लिए सहमत हुए। यही कारण है कि लोग शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, क्योंकि उनमें लक्ष्मी और विष्णु का वास माना जाता है।